अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इंसानों में किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होगा, एनिमल्स में किस तरह से होगा, क्योंकि ये हायर एनिमल्स हैं जिनमें जो है प्रॉपर तरीके से जो है ना वो गैशियस एक्सचेंज होगा। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको पता है, सांस लेने का जो सिस्टम है जिसमें आपके लंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, वो सारा सिस्टम जो है इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक मैं थ्रू आउट आपको बताऊंगी पैसेज, जो है इसका पूरा एक सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने डायग्राम में नेज़ल कैविटी, ये आपके नाक का हिस्सा है, नोज़ का हिस्सा है। ठीक है, नेज़ल कैविटी यहाँ पर होंगे नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स नथनों को कहते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये नोज़ है, तो ये दो नथने इसके होंगे जो ओपनिंग्स हैं। ठीक है, जो नाक आपके जिसके थ्रू जो है एयर अंदर जाएगी। उसके बाद आप लोग अगर यहाँ से आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, ये है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स से जैसे ही आप लोग नीचे आते हो गले के पास, वैसे तो यहाँ लेरिंग्स है। ठीक है, यहाँ प्रोमिनेंट नहीं किया गया, आप लोग चेक कर सकते हैं अपने गले पे हाथ लगा के, जहाँ पर वाइब्रेशन हो रही होंगी जब आप बात करते हो, तो उस वो हिस्सा जो है वो लेरिंग्स का है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी इन्हीं पार्ट्स में एपिग्लोटिस और ग्लोटिस भी हैं। यहाँ से अगर नीचे आते हो तो ये पार्ट जो है इसे कहा जाता है ट्रैकिया, जो कि जा रहा है लंग्स के अंदर। ठीक है, अब लंग्स के अंदर ये जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर आपको लास्ट पे नज़र आएगा, ये सैक्स का। ठीक है, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा और जहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से गैसेस जो हैं वो बॉडी से लंग से बाहर निकलेंगी। ठीक है, एक्सचेंज होंगी, तो ये पार्ट्स पड़ेंगे। यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है जहाँ जिसके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज पढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनके पार्ट्स जो हैं फेरिंग्स, लेरिंग्स, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, इनके स्ट्रक्चर आपको वेल डिफाइन तरीके से पता हो। ठीक है, कि ये चीज़ है कहाँ पर और किस तरह से डिवाइड हो रही है। तो आज सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है आपके पास इसके पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट इसका है नेज़ल कैविटी। आप लोग यहाँ पर हेडिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारा एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा गया है, तो आप लोग हेडिंग्स बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो हेडिंग है वो है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी यहाँ आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही है। नेज़ल कैविटी में आप लोग खुद की भी देख सकते हैं। ठीक है, कि आप नाक के अंदर अगर आप देखते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको जो है दो पोर्शन नज़र आते हैं। ठीक है, इस तरह से डिवाइड, एक तरफ एक सुराख है, दूसरी तरफ दूसरा सुराख है। इसी के अंदर जो है वो आपको छोटे छोटे बाल भी नज़र आएंगे, उसमें थोड़ा सा नाक अंदर से गीला होता है, म्यूकस कहते हैं जिसे। ठीक है, वो और कह लें कि जैसे ही अगर ये दो चीज़ें नहीं होती, म्यूकस और आपकी नाक में बाल नहीं होते, तो जैसे ही एयर अंदर जाएगी तो वो फ़िल्टर नहीं होगी। ये नाक के अंदर जो बाल हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि यहाँ पर जो है वो फिल्ट्रेशन हो सके। ठीक है, म्यूकस आपको हेल्प आउट करता है कि आपकी नाक का जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, बैलेंस रहे, वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें जो आपकी नाक के अंदर मौजूद हैं, ये आपको हेल्प कर रही हैं। एक तो यहाँ पर एयर जो है वो फ़िल्टर होके अंदर जाएगी, दूसरा ये है कि म्यूकस हेल्प आउट करेगा कि आपकी नाक का जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ये तो आपके पास है नेज़ल कैविटी। नोस्ट्रिल्स का भी मैंने बता दिया, उसे क्या कहते हैं, उसे नथने। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ये फर्स्ट हेडिंग में आप लोगों ने इतना बताना है। उसके बाद जो है वो है फेरिंग्स। ठीक है, नेज़ल कैविटी यहाँ से, जैसे ही नेज़ल कैविटी अंदर वाली साइड पे अगर आए यहाँ पर, ठीक है, तो जो कि आपको शायद नज़र ना आए, यहाँ से जैसे ही अंदर आते हैं, इन्हें कहा जाता है इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, इंटरनल अंदर वाली साइड पे जो सुराख होते हैं उन्हें कहा जाता है इंटरनल नोस्ट्रिल्स। तो यहाँ पर नेज़ल कैविटी अंदर की साइड पे जैसे एक्सटेंड करोगे, यहाँ पर सुराख जो हैं उन्हें कहा जाता है इंटरनल नोस्ट्रिल्स। अब वो इंटरनल नोस्ट्रिल्स जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, फेरिंग्स की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर इस अंदर वाली साइड पे यहाँ पर आएगा फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स जो है आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मस्कुलर है। ठीक है, और कॉमन है किस चीज़ के लिए, फूड के लिए और एयर के लिए।
इसलिए कहा जाता है कि खाने के दौरान आप लोग ना बोलें, क्योंकि फूड भी और एयर भी जो है ना वो कॉमन, एक इनका रास्ता जो है वो कॉमन है। तो जैसे ही आप लोग बात करोगे तो क्या होगा कि हो सकता है कि वो आपकी खुराक हवा वाली नाली वाली साइड पे जा सकती है। तो फेरिंग्स का आपने बताया कि ये फूड और एयर के लिए कॉमन है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, तो जैसे इसका स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, वो किसकी तरफ जाएगा? ओसोफेगस की तरफ और लेरिंग्स की तरफ, ठीक है। तो जो एयर है वो क्या करेगी, गोज फ्रॉम फेरिंग्स इनटू लेरिंग्स। लेरिंग्स का मैंने आपको बताया था कि आप अपनी गर्दन पे, अपने नेक पे हाथ लगा के देख सकते हो, जब आप बात कर रहे हो तो वो वाइब्रेट कर रही होती है, ठीक है। आप लोग इस तरह से फिंगर रखें तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ वाइब्रेट करता हुआ फील होगा, वही आपका पॉइंट क्या है, लेरिंग्स का। अब इसी जगह पे आप लोगों को ग्लोटिस नज़र आएगा, ठीक है। ग्लोटिस, ये ग्लोटिस है, ठीक है। ये नैरो ओपनिंग है, ठीक है, एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड इनटू लेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पर छोटी सी एक कहले के सुराख है इस तरह से, ठीक है, और इसके ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू भी होता है जिसके थ्रू इसको बंद किया जाता है, लिड कह लें, एक ढक्कन की तरह इसको जो है ना कवर किया जाता है, उसे कहा जाता है एपिग्लोटिस, ठीक है। तो अब जैसे ही ये आगे एक्सटेंड करेगा, तो मैंने लेरिंग्स का आपको बताया कि लेरिंग्स क्या है, ये साउंड बॉक्स भी इसको कहा जाता है। अब लेरिंग्स के बारे में आप लोगों को इस तरह से पता चलेगा कि अगर आप अपनी नेक पे हाथ लगाते हो तो यहाँ पर सी शेप कार्टिलेज आपको फील होंगे। डायग्राम में तो आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप अपने नेक पे चेक करें तो आपको कार्टिलेज जो है ना वो फील होगा, ठीक है। सी शेप जो है वो कार्टिलेज आपको यहाँ फील होंगे, ठीक है। इसी तरह से कार्टिलेज, क्यों कार्टिलेज है यहाँ, कार्टिलेज इसलिए है ताकि कोलैप्स ना हो सके, ठीक है। कोलैप्स क्यों ना हो सके, कि ये स्ट्रक्चर इतना सेंसिटिव, इतना स्किन जो है वो इतनी सॉफ्ट है, तो कार्टिलेज किस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं आपको, कि ये यहाँ पर कोलैप्स यानी पिचक ना सके, ठीक है। और इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। टू पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड जो हैं, वोकल कॉर्ड यहाँ पर हैं जो कि स्ट्रेच करते हैं, जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं आप बोल सको, ठीक है। और वाइब्रेशन आपको फील होगी हाथ रखने पे, और इसी वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होगी, उसी वाइब्रेशन की वजह से बेटा आपका साउंड जो आप बोल रहे हो वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपने पार्ट्स पढ़े, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लेरिंग्स के बारे में। तो ये थ्री पार्ट्स आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने एज इट इज़ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो विदाउट स्ट्रक्चर जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, नेम दी टू पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या इन लिस्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एयर पैसेज वे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिव द डिटेल ऑफ ईच पार्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने बाय पार्ट्स आपने एक्सप्लेन करना है। आपकी बुक में यहाँ पर हेडिंग्स नहीं है, आप यहाँ पर अगर हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।